सबसे पहले तो मैं राजेंद्र सिंह इस क्रांतिकारियों की भूमि पश्चिम बंगाल को नमन करता हूं, जिस भूमि पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन्म लिया और जहां कदम लहर का बहुत बड़ा एक कुर्बानियों भरा अध्याय लिखा गया, दो चौका पर बैठा पान की घटना हुई। बज बज घाट पर देश की आजादी में बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कुर्बानियां दी बंगाल ने और आज एक बार फिर देश में बिल्कुल एक उसी तरह की स्थिति बनाई जा रही है। वैसे तो 1947 के बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब एक फासिस्ट गवर्नमेंट इस देश में राज कर रही है, जो लगातार जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको खत्म कर रही है, जो लगातार जुल्म और तशद्दुद इस देश के लोगों पर कर रही है। पिछले 7 साल में जितनी जन विरोधी नीतियां लागू की गई, जिसके तहत करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी एयर इंडिया बेच दिया, कभी रेलवे बेच दी, कभी एलआईसी बेच दिया, कभी बीएसएनएल बेच दिया और देश को बेचने वाली सरकार खुद को देशभक्त कहती है और जो देश बेचने का विरोध करते हैं उन्हें राष्ट्रद्रोही कहती है। बिल्कुल हिटलर के रास्ते पर चलने वाली यह सरकार, इसने इन दिनों देश के किसानों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। आप सभी लोग जानते हो कि 3 कृषि कानून ये मोदी सरकार लेकर आई, जो इस देश की सारी खेती को, सारी खुराक को अवानियों डालियों और कारपोरेट के हाथ देना चाहते हैं। पंजाब में जब इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और जब दिल्ली आए हम, तो बोला गया कि ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। जब आंदोलन फैला, हरियाणा में चला गया, यूपी में चला गया और आज हम यहां कोलकाता में बातचीत आपके साथ सामने रखने आए हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि यह किसान आंदोलन बंगाल में भी पहुंच गया है। जो एक राज्य का इसको किसान आंदोलन कहते थे, उनको देख लेना चाहिए कि अब यह आंदोलन देश के 20 राज्यों में फैल चुका है और जो भर्तियां खुलाई गई, पहले तो ये कहा गया कि यह सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, तो इसे 2-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये ना तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और ना ही आंदोलन सिर्फ किसानों का है। ये आंदोलन इस देश के हर पुरुष आदमी का है जिसको करना चाहिए। पूरी दुनिया में एक कारपोरेट खेती मॉडल लागू किया गया, जिसके तहत जितना छोटे किसान है, दरमियाने किसान है, गरीब किसान है, वो सभी गरीबों की जमीन चली गई और वो खेती से बाहर हो गए। 30-30 हजार एकड़, 50 हजार एकड़
इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म बनाए गए और वही अब खेती बाड़ी इस देश में लागू करने के लिए मोदी सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लेकर आई है, इस देश का जो सियासी बीजी किसान है वो छोटा और दरमियाना किसान है। और आप देख लीजिए कि पश्चिमी बंगाल में कितने किसान हैं जो छोटी और दरमियाने किसान हैं। होता है तो आपके सभी जो छोटे और दरमियाने गरीब किसान है उनकी जमीन चली जाएगी। तो फिर आप किसमें से कह सकते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब का है? क्या देश के दूसरे किसानों को जमीन नहीं चाहिए? क्या पंजाब के किसान को जमीन नहीं चाहिए? क्या वो चाहता है कि उसकी जमीन को बांधी बांधी ले जाए? अगर वो चाहता है कि उसकी जमीन उसी के पास रहे, किसी कारपोरेट के पास ये जमीन न जाए, तो उसे मोदी सरकार के जमीन के खिलाफ खड़ा होना होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्री का मामला है ये तो पंजाब हरियाणा का मामला है, जो एनएफएसएसओ है उसकी एक स्टडी है कि इस देश के जो 70% किसान है उनको एमएसपी का पता नहीं है, एमएसपी होता क्या है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है, इस देश के हाकमों ने कभी उस तरह का मार्केट सिस्टम ग्रहण नहीं किया जिस तरह का पंजाब और हरियाणा ने था। पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं और धान की खेती होती है तो उसका एक एक दाना एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी के साथ खरीदा जाता है। एमएसपी जो है वो ऐलान पर 23 फसलों का किया जाता है, लेकिन सिर्फ दो राज्यों में 2 फसलों का किया जाता है, गेहूं और धान का सिर्फ पंजाब और हरियाणा। तो इसलिए जिन किसानों को एमएसपी का पता था कि इसके तहत किसानी को थोड़ा बच सकती है, अगर जब एमएसपी खत्म करने की बात हुई तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी का फायदा पता था, इसलिए सबसे पहले इसे मैदान में आए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश के दूसरे किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं है। आप बंगाल में देख लीजिए, देश के दूसरे राज्यों में देख लीजिए, आप जितने भी फसलों की बुआई करते हो क्या उसका जो एमएसपी सरकार रेट करती है उसी रेट पर आपका एक एक दाना खरीदा जाता है? नहीं खरीदा जाता। बिहार और यूपी में से जो गेहूं और धान है वो बहुत बड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा में जाता है, क्योंकि सरकारी खरीद की गारंटी नहीं है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है। और जब पंजाब और हरियाणा में जो लोग यूपी और बिहार से गेहूं और धान खरीद कर ले जाते हैं वो एमएसपी से 700-800 रुपए कम देते हैं पर क्विंटल। इतनी बड़ी लूट हो रही है। और जो बिहार का किसान है वो मजदूरी करने जाता है पंजाब में, और अब पंजाब के और हरियाणा के किसानों का भी यही हशर मोदी सरकार करना चाहती है, इसलिए सबसे पहले पंजाब हरियाणा खड़ा हुआ। लेकिन अब जो एमएसपी की डिमांड है ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार फैल रही है और किसानों को समझ आ रही है बात कि सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड है कि जो भी फसल किसान उसकी बुआई करे उसका एमएसपी जो सरकार ऐलान करे वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक करे, और सारे अनाज जो पहला हो किसान की भूमि में उसका एक एक दाना खरीदने की सरकार
गारंटी करे ताकि कोई व्यापारी कोई कारपोरेट किसान को लूट न सके। ये लड़ाई है। और तीसरा जो कानून है इनका, जरूरी वस्तु संबंधी इन्होंने एक संशोधन कानून लाया है 2020। ये समझना बहुत जरूरी है जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ किसानों की लड़ाई है। मोदी सरकार ने अब ये कर दिया कि दो तरह की वस्तुएं हम रसोई के लिए लाते हैं, एक तो पैरिशेबल गुड्स है जिन्हें हम कहते हैं कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, एक नॉन पैरिशेबल गुड्स है जिसका मतलब है जो जल्दी खराब नहीं होती। अब सरकार ने यह कर दिया कि जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं अगर उसकी कीमत 100% बढ़ेगी तब सरकार उसे महंगाई मानेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्याज का दाम इस साल 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, अगले साल अगर 120 हो जाए सरकार तब महंगाई मानेगी, 119 को महंगाई नहीं मानेगी। 119 को महंगाई नहीं मानेगी। और अब 119 का उससे अगले साल डबल कर लीजिए तो कहां जाएगा? 250 के करीब जाएगा ना, 240 रुपए के करीब जाएगा ना प्याज का दाम। तो अब ये कानून किसके खिलाफ है? सिर्फ किसानों के खिलाफ है। ये हर उस आदमी के खिलाफ है जिसको खाना चाहिए। तो फिर इसके खिलाफ हर उस आदमी को मैदान में आना होगा जिसको खाना खाना है। जो रोटी के बिना जिंदा रह सकते हैं वो घर में बैठे रहे। इसी तरह उन्होंने कहा जो नॉन पैरिशेबल गुड्स है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं नहीं है, जैसे दाल है, दाल की कीमत अगर इस साल 100 रुपए है, अगले साल अगर 150 रुपए हो जाएगी, 50% बढ़ जाएगी, तब सरकार उसे महंगाई मानेगी। अगर 149 रहेगी तो सरकार उसे महंगाई नहीं मानेगी। ये सबसे खतरनाक कानून है, जो तीसरा कानून है तीन कृषि कानूनों में से। और ये पूरी मिडिल क्लास के खिलाफ है, लोअर मिडिल क्लास के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, हर उस आदमी के खिलाफ है जिसने खाना खाना है। क्योंकि इस देश में जो 67% आबादी है वो जो पीडीएस जो राशन की दुकान से सस्ता राशन लेते हैं लोग, उसके तहत सस्ता राशन इस देश की 67% आबादी लेती है। अगर सरकार किसानों से उसका अनाज नहीं खरीदेगी, कहेगी कि इसको कारपोरेट खरीदेगा, तो जो करोड़ों लोग इस देश के सस्ते राशन की दुकान से राशन डिपो से सस्ता अनाज लेते हैं उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार अगर नहीं खरीदेगी किसानों से तो वो आम लोगों को गरीबों को सस्ता राशन नहीं देगी और इस देश में करोड़ों लोग भूखे मरने के लिए मजबूर होंगे। अब ये कैसे कह सकते हो कि ये कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ है? ये कानून मैं फिर दोहराऊंगा हर उस आदमी के खिलाफ है जिसे खाना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या कितनी इन्होंने विशर्मी धारण कर ली है कि 100 दिन से पंजाब हरियाणा यूपी से और सभी क्षेत्रों से, यहां बंगाल से भी बहुत किसान जाते हैं, कर्नाटक से भी जाते हैं, दिल्ली के रोड को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, कितनी सर्दी गुजरी है और आगे कितनी गर्मी आनी है, 250 के करीब लोग उनकी जाने जा चुकी है, 250 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं उन खेती कानूनों के खिलाफ लड़ाई करते करते। लेकिन इस सरकार को किसका फिक्र है? इसको फिक्र है अंबानी का, अडानी का। पहले इस देश में एक नारा लगता था, वो जब आबादी को कंट्रोल करने की बात थी कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब मोदी सरकार ने वही नारा फिर लगा दिया है,
मोदी साहब कहते हैं कि हम दो हमारे दो, हम दो कौन? मोदी और अमित शाह, हमारे दो कौन? अबानी और अडानी। ये हम दो को हमारे दो की फिक्र है, देश के करोड़ों लोगों की फिक्र नहीं है। इसलिए अबानी अडानी इनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, एक दूसरे के माई बाप हैं। ये अजीब किस्म का रिश्ता है ये, कि बाप ही बेटा है, बेटा ही बाप है। और इनको सिर्फ उन्हीं लोगों की फिक्र है। तो फिर इन लोगों को जिन्होंने 7 साल में इस देश में सिर्फ जन विरोधी नीतियां ही लागू नहीं की, इस देश में हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहा जिसने इस देश को बचाने की बात की है। कभी इस देश के जो छात्र हैं यूनिवर्सिटियों के, वो देशद्रोही हो जाते हैं। कभी इस देश के जो मुस्लिम हैं उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। कभी इस देश के उन लोगों को, उन ट्रेड यूनियन लीडरों को, उन इंटेलेक्चुअल्स को, उन राइटर्स को, उन कवियों को देशद्रोही कह दिया जाता है जो इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं। और आज जो कृषि कानूनों के खिलाफ मूवमेंट बनी है, पंजाब से शुरू हुई लेकिन पूरे देश में फैल रही है, लेकिन जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो हमें इस बात का इल्म था पंजाब के सभी किसान संगठनों को कि अगर ये मूवमेंट पूरे देश में नहीं फैली तो कश्मीर जो पंजाब का वही असर होगा जो कश्मीर को हुआ। पंजाब को ये दूसरा कश्मीर बनाएंगे, लेकिन इस देश के किसानों को ये बात समझ आ गई। और आज इस जो किसान मूवमेंट इस देश में चल रहा है, इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और इसको जीत तक पहुंचाने की भी जरूरत है। जीत तक इसलिए पहुंचाने की जरूरत है कि मोदी सरकार ने जो कहा कि 7 साल में हमने जो कह दिया हम पीछे नहीं हटे, बहुत मजबूत सरकार है। कहा मोदी मैजिक है, मोदी औला है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब मुमकिन को हमने नामुमकिन करना है। जो 3 कृषि कानूनों ने बनाए हैं, ये कानूनों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ है, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ है। अगर इस देश का किसान मजदूर जीतता है, इन कानूनों को निरस्त करवाता है, तो समझ लीजिए के लिए मोदी की हार होगी। मोदी जो कहता है कि 7 साल में कभी पीछे नहीं हटे, ये पहली बार होगा कि मोदी को पीछे धकेला जाएगा। उन्होंने बड़ी बड़ी साजिशें की, इतना बड़ा जन आंदोलन 26 जनवरी को कभी दिल्ली में किसी परिंदे का पर नहीं मारने दिया, लेकिन 26 जनवरी को लाखों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर किसान परेड करने आए, तो इन्होंने साजिश के तहत लाल किले की घटना को अंजाम दिया। एक बार तो लोगों को लगा कि किसानों ने गड़बड़ कर दी है, लेकिन 24 घंटे में वो सरकार की साजिश बेतक हो गई। लोगों को पता चल गया कि गड़बड़ करवाने वाली बीजेपी है और गड़बड़ करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता भी वो लाल किले में गए। बहुत सारे आम किसान भी गए जिन्हें पता ही नहीं था कि दिल्ली का कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। दिल्ली पुलिस जान बूझ कर लेकर गई किसानों को उस तरफ, जो रास्ते थे उन पर बैरिकेडिंग कर दी, जो रास्ते पर नहीं जाने के लिए लाल किया वो बैरिकेडिंग हटा दी गई, लोगों को जान बूझ कर भेजा गया था। इसलिए कि 26 जनवरी को पूरी दुनिया के मीडिया ने हमारे उस आंदोलन को कवर करना था, तो पूरी दुनिया में किसान किसान होना था, इन्होंने पूरी दुनिया में लाल किला बनवाने की कोशिश की ताकि किसानों के आंदोलन को डीरेल किया जा सके, उसको रस्ते से भड़काया जा सके,
लेकिन सभी लोग साजिश समझ गए कि लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तिरंगा फहराकर आते हैं तो उसको दो तीन घंटे के बाद उसमें कोई नहीं घुस सकता, कोई भी जा सकता है लाल किले में, जहां तिरंगा नहीं बनवा सकता। और टीवी पर फोटो आए देख लिया, एनडीटीवी पर देख लीजिए, बहुत सारे चैनलों पर क्या हुआ कि पुलिस मूक दर्शक करके खड़ी बैठी। तो ये बात साफ थी कि ये गेम बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने 7 साल में यही काम किया, हर आंदोलन को बदनाम करो, उसको पीटो, उसको मारो और उस आंदोलन के नेताओं को जेलों में डालो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का कोई पंजाब में नाम नहीं लेने को तैयार है, बीजेपी का हरियाणा में कोई नाम लेने को तैयार नहीं। हट्टन में करनाल में जनसभा करनी थी, वो जनसभा धरती पर नहीं हुई, वो आसमान में हुई, क्योंकि लोगों ने हेलीकॉप्टर उठा दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। तो अब उनकी जनसभा आसमान में ही होगी, धरती पर नहीं होगी, अगर यही उनका हासिल रहा, अगर यही काम करते रहे। सिंगू और टिकरी पर जो हमारे टोल से लगे हैं, जब आए तो सिर्फ पंजाब में टोल फ्री था, हरियाणा में टोल नहीं फ्री था, अब तो हरियाणा में बीजेपी भी फ्री होगी। और वो कमल के फूल की एक खासियत है, एक तो उसको फूल होते ना मुरझा जाते हैं धीरे धीरे, कमल का फूल मुरझाता नहीं है, एक बार सूख जाता है। इसलिए जो ये फासिस्ट गवर्नमेंट है, जिसने देश में गुंडागर्दी का राज स्थापित करने की कोशिश की, स्थापित किया भी है, बढ़ा भी रही है, और आज हम बंगाल के अपने भाइयों से बहनों से भी विनती करने आए हैं कि इस देश में जब आजादी की लड़ाई चली तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब और बंगाल के लोगों ने की है, और आज जब इस देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब से शुरू हुआ, तो क्या बंगाल को अपना एहतियात इतिहास नहीं दोहराना चाहिए, बंगाल को भी अपना इतिहास दोहराना होगा, बंगाल को अपना इतिहास दोहराना होगा, और ये जो किसान मूवमेंट चल रही है इसको जन मूवमेंट बनाना होगा, और सभी बंगाल के लोगों को इसमें कूद जाना होगा, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी आह्वान करेगा उसको आप पूरी तरह से लागू कीजिए, और इस देश के किसानों को बचाने के लिए, इस देश के लोगों की रोटी बचाने के लिए, इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए विनती है कि आइए मैदान में इस देश में एक नया इतिहास लिखा जाए, तीनों कानून भी ध्वस्त किया जाए और फासिस्ट गवर्नमेंट को भी भूल चुकाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी बंगाल के सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं इस क्रांतिकारियों की भूमि पश्चिमी बंगाल को नमन करता हूं, जिस भूमि पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया, जहां रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन्म लिया, और जहां गगन लहर का बहुत बड़ा एक कुर्बानियों भरा अध्याय लिखा गया, बुजुर्गों का और बेटा मारू की घटना हुई, बज बज घाट पर देश की आजादी में बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कुर्बानियां दी बंगाल ने, और आज एक बार फिर देश में बिल्कुल एक उसी तरह की स्थिति
बनाई जा रही है। वैसे तो 1947 के बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब एक फासिस्ट गवर्नमेंट इस देश में राज कर रही है, जो लगातार जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको खत्म कर रही है, जो लगातार जुल्म और तशद्दुद इस देश के लोगों पर कर रही है। पिछले 7 साल में जितनी जन विरोधी नीतियां लागू की गई, जिसके तहत करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी एयर इंडिया बेच दिया, कभी रेलवे बेच दी, कभी LIC बेच दिया, कभी BSNL बेच दिया, और देश को बेचने वाली सरकार खुद को देशभक्त कहती है, और जो देश बेचने का विरोध करते हैं उन्हें राष्ट्रद्रोही कहती है। बिल्कुल हिटलर के रास्ते पर चलने वाली यह सरकार, इसने इन दिनों देश के किसानों पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। आप सभी लोग जानते हो कि 3 कृषि कानून ये मोदी सरकार लेकर आई, जो इस देश की सारी खेती को, सारी खुराक को अवानियों डालियों और कारपोरेट के हाथ देना चाहती है। पंजाब में जब इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और जब दिल्ली आए हम, तो बोला गया कि ये तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है। जब आंदोलन फैला, हरियाणा में चला गया, यूपी में चला गया, और आज हम यहां कोलकाता में बातचीत आपके साथ सामने रखने आए हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि ये किसान आंदोलन पंजाब में भी पहुंच गया है। जो एक राज्य का इसको किसान आंदोलन कहते थे, उनको देख लेना चाहिए कि अब ये आंदोलन देश के 20 राज्यों में फैल चुका है, और जो धरतियां फैल गई, पहले तो ये कहा गया कि यह सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, तो इससे 2-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये ना तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है और ना ही आंदोलन सिर्फ किसानों का है। ये आंदोलन इस देश के हर पुरुष आदमी का है जिसको करना चाहिए। पूरी दुनिया में एक कारपोरेट खेती मॉडल लागू किया गया, जिसके तहत जितना छोटे किसान है, दरमियाना किसान है, गरीब किसान है, वो सभी गरीबों की जमीन चली गई और वो खेती से बाहर हो गए। 30-30 हजार एकड़, 50 हजार एकड़, इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म बनाए गए, और वही अब खेती बाड़ी इस देश में लागू करने के लिए मोदी सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लेकर आई है। इस देश का जो 86% किसान है वो छोटा दरमियाना किसान है, और आप देख लीजिए कि पश्चिमी बंगाल में कितने किसान हैं जो छोटी और दरमियाने किसान हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून लागू होता है तो आपके सभी जो छोटे और दरमियाने गरीब किसान हैं उनकी जमीन चली जाएगी, तो फिर आप किस मुंह से कह सकते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है? क्या देश के दूसरे किसानों को जमीन नहीं चाहिए? क्या पंजाब के किसान को जमीन नहीं चाहिए? क्या वो चाहता है कि उसकी जमीन को बांधी बांधी ले जाए? अगर वो चाहता है कि उसकी जमीन उसी के पास रहे,
देश के जो 70% किसान है उनको एमएसपी का पता नहीं है, एमएसपी होता क्या है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है, इस देश के हाकमों ने कभी उस तरह का मार्केटिंग सिस्टम ग्रहण नहीं किया जिस तरह का पंजाब और हरियाणा ने कहा। पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं और धान की खेती होती है तो उसका एक एक दाना एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी के साथ खरीदा जाता है। एमएसपी जो है वो ऐलान पर 23 फसलों का किया जाता है, लेकिन सिर्फ दो राज्यों में दो फसलों का किया जाता है, गेहूं और धान का सिर्फ पंजाब और हरियाणा में। तो इसलिए जिन किसानों को एमएसपी का पता था कि इसके तहत किसानी को थोड़ा बच सकती है, अगर जब एमएसपी खत्म करने की बात हुई तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी का फायदा पता था, इसलिए सबसे पहले इसे मैदान में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के दूसरे किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं है। आप मैदान में देख लीजिए, देश के दूसरे राज्यों में देख लीजिए, आप जितनी भी फसलों की बुआई करते हो क्या उसका जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है उसी रेट पर आपका एक एक दाना खरीदा जाता है? नहीं खरीदा जाता। बिहार और यूपी में तो जो गेहूं और धान है वो बहुत बड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा में जाता है, क्योंकि सरकारी खरीद की गारंटी नहीं है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है। और जब पंजाब और हरियाणा में जो लोग यूपी और बिहार से गेहूं और धान खरीद कर ले जाते हैं वो एमएसपी से 700-800 रुपए कम देते हैं पर क्विंटल। इतनी बड़ी लूट हो रही है। और जो बिहार का किसान है वो मजदूरी करने जाता है पंजाब में, और अब पंजाब के और हरियाणा के किसानों का भी यही हशर मोदी सरकार करना चाहती है, इसलिए सबसे पहले पंजाब हरियाणा खड़ा हुआ। लेकिन अब जो एमएसपी की डिमांड है जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार फैल रही है और किसानों को समझ आ रही है बात कि सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड है कि जो भी फसल किसान उसकी बुआई करे उसका एमएसपी जो सरकार ऐलान करे वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक करे, और सारे अनाज जो पैदा हो किसान की भूमि में उसका एक एक दाना खरीदने की सरकार गारंटी करे, ताकि कोई व्यापारी कोई कारपोरेट किसान को लूट न सके। ये लड़ाई है। और तीसरा जो कानून है इनका, जरूरी वस्तु संबंधी इन्होंने एक संशोधन कानून लाया है 2020। ये समझना बहुत जरूरी है, जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ किसानों की लड़ाई है। मोदी सरकार ने अब ये कर दिया कि दो तरह की वस्तुएं हम रसोई के लिए लाते हैं, एक तो पैरशेबल गुड्स है जिन्हें हम कहते हैं कि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, एक नॉन पैरशेबल गुड्स है जिसका मतलब है जो जल्दी खराब नहीं होती। अब सरकार ने यह कर दिया कि जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं अगर उसकी कीमत 100% बढ़ेगी तब सरकार उसे महंगाई मानेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्याज का दाम इस साल 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, अगले साल अगर 120 हो जाए सरकार तब महंगाई मानेगी, 119 को महंगाई नहीं मानेगी, 119 को महंगाई नहीं मानेगी। और अब 119 का उससे अगले साल डबल कर लीजिए तो कहां जाएगा?
250 के करीब जाएगा ना, 240 रुपए के करीब जाएगा ना प्याज का दाम, तो अब ये कानून किसके खिलाफ है? सिर्फ किसानों के खिलाफ है, ये हर उस आदमी के खिलाफ है जिसको खाना चाहिए। तो फिर इसके खिलाफ हर उस आदमी को मैदान में आना होगा जिसको खाना खाना है। जो रोटी के बिना जिंदा रह सकते हैं वो घर में बैठे रहे। इसी तरह उन्होंने कहा जो नॉन पेरिशेबल गुड्स है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं नहीं है, जैसे दाल है, दाल की कीमत अगर इस साल 100 रुपए है, अगले साल अगर 150 रुपए हो जाएगी, 50% बढ़ जाएगी, तब सरकार उसे महंगाई मानेगी। अगर 149 रहेगी तो सरकार उसे महंगाई नहीं मानेगी। ये सबसे खतरनाक कानून है, जो तीसरा कानून है तीन कृषि कानूनों में से, और ये पूरी मिडिल क्लास के खिलाफ है, लोअर मिडिल क्लास के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, हर उस आदमी के खिलाफ है जिसने खाना खाना है। क्योंकि इस देश में जो 67% आबादी है, वो जो पीडीएस जो राशन की दुकान से सस्ता राशन लेते हैं लोग, उसके तहत सस्ता राशन इस देश की 67% आबादी लेती है। अगर सरकार किसानों से उसका अनाज नहीं खरीदेगी, कहेगी कि इसको कॉरपोरेट खरीदेगा, तो जो करोड़ों लोग इस देश के सस्ते राशन की दुकान से, राशन डिपो से सस्ता अनाज लेते हैं, उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार अगर नहीं खरीदेगी किसानों से, तो वो आम लोगों को, गरीबों को सस्ता राशन नहीं देगी, और इस देश में करोड़ों लोग भूखे मरने के लिए मजबूर होंगे। अब ये कैसे कह सकते हो कि ये कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ है? ये कानून, मैं फिर दोहराऊंगा, हर उस आदमी के खिलाफ है जिसे खाना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या, कितनी इन्होंने विशर्मी धारण कर ली है कि 100 दिन से पंजाब, हरियाणा, यूपी से और सभी क्षेत्रों से, यहां बंगाल से भी बहुत किसान जाते हैं, कर्नाटक से भी जाते हैं, दिल्ली के रोड को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, कितनी सर्दी गुजरी है और आगे कितनी गर्मी आनी है। 250 के करीब लोग, उनकी जाने जा चुकी है, 250 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं उन खेती कानूनों के खिलाफ लड़ाई करते करते। लेकिन इस सरकार को किसका फिक्र है? इसको फिक्र है अंबानी का, अडानी का। पहले इस देश में एक नारा लगता था, वो जब आबादी को कंट्रोल करने की बात थी, कि हम दो हमारे दो। लेकिन अब मोदी सरकार ने वही नारा फिर लगा दिया है। मोदी साहब कहते हैं कि हम दो हमारे दो। हम दो कौन? मोदी और अमित शाह। हमारे दो कौन? अंबानी और अडानी। ये हम दो को हमारे दो की फिक्र है, देश के करोड़ों लोगों की फिक्र नहीं है। इसलिए अंबानी अडानी इनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, एक दूसरे के माई बाप हैं। ये अजीब किस्म का रिश्ता है ये, कि बाप ही बेटा है, बेटा ही बाप है, और इनको सिर्फ उन्हीं लोगों की फिक्र है। तो फिर इन लोगों को, जिन्होंने 7 साल में इस देश में सिर्फ जल विरोधी नीतियां ही लागू नहीं की, इस देश में हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहा जिसने इस देश को बचाने की बात की है। कभी इस देश के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटियों के, वो देशद्रोही हो जाते हैं। कभी इस देश के जो मुस्लिम है उनको देशद्रोही कह दिया जाता है, फैल रही है। लेकिन जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो हमें इस बात का इल्म था, पंजाब के सभी किसान संगठनों को, कि अगर ये मूवमेंट पूरे देश में नहीं फैली तो कश्मीर,
जो पंजाब का वही हासिल होगा जो कश्मीर को होगा हुआ। पंजाब को यह दूसरा कश्मीर बनाएंगे, लेकिन इस देश के किसानों को यह बात समझ आ गई। और आज इस जो किसान मूवमेंट इस देश में चल रहा है, इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और इसको जीत तक पहुंचाने की भी जरूरत है। जीत तक इसलिए पहुंचाने की जरूरत है कि मोदी सरकार ने जो कहा कि 7 साल में हमने जो कह दिया हम पीछे नहीं हटे, बहुत मजबूत सरकार है। कहा मोदी मैजिक है, मोदी आला है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब मुमकिन को हमने नामुमकिन करना है। जो 3 कृषि कानून उन्होंने बनाए हैं, ये कानूनों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई फासिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ है, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ है। अगर इस देश का किसान मजदूर जीतता है, इन कानूनों को निरस्त करवाता है, तो समझ लीजिए कि ये मोदी की हार होगी। मोदी जो कहता है कि 7 साल में कभी पीछे नहीं हटे, ये पहली बार होगा कि मोदी को पीछे धकेला जाएगा। उन्होंने बड़ी बड़ी साजिशें की, इतना बड़ा जन आंदोलन 26 जनवरी को कभी दिल्ली ने किसी परिंदे का पर नहीं मारने दिया, लेकिन 26 जनवरी को लाखों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर किसान परेड करने आए, तो इन्होंने साजिश के तहत लाल किले की घटना को अंजाम दिया। एक बार तो लोगों को लगा कि किसानों ने गड़बड़ कर दी है, लेकिन 24 घंटे में वो सरकार की साजिश बेहतर हो गई। लोगों को पता चल गया कि गड़बड़ करवाने वाली बीजेपी है और गड़बड़ करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता ने वो लाल किले में गए। बहुत सारे आम किसान भी गए, इन्हें पता ही नहीं था कि दिल्ली का 500 रास्ता किसको जाता है। दिल्ली पुलिस जानबूझकर लेकर गई किसानों को उस तरफ, जो रास्ते थे उन पर बैरिकेडिंग कर दी, जो रास्ते पर नहीं जाने के लिए लाल किया वो बैरिकेडिंग हटा दी गई, लोगों को जानबूझकर भेजा गया था। इसलिए कि 26 जनवरी को पूरी दुनिया के मीडिया ने हमारे उस आंदोलन को कवर करना था, तो पूरी दुनिया में किसान किसान होना था, इन्होंने पूरी दुनिया में लाल किला करवाने की कोशिश की, ताकि किसानों के आंदोलन को डीरेल किया जा सके, उसको रस्ते से भड़काया जा सके। लेकिन सभी लोग साजिश समझ गए कि लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तिरंगा फहराकर आते हैं, तो उसको 2-3 घंटे के बाद उसमें कोई नहीं घुस सकता, कोई भी जा सकता है लाल किले में, जहां परिंदा नहीं करवा सकता। और टीवी पर फोटो आए, देख लिया कंटिन्यू पर, देख लीजिए बहुत सारे चैनलों पर क्या हुआ कि पुलिस मूक दर्शक बन कर खड़ी बैठी। तो ये बात साफ थी कि ये गेम बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी ने 7 साल में यही काम किया, हर आंदोलन को बदनाम करो, उसको पीटो, उसको मारो और उस आंदोलन के नेताओं को जेलों में डालो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का कोई पंजाब में नाम नहीं लेने को तैयार है, बीजेपी का हरियाणा में कोई नाम लेने को तैयार नहीं। खट्टर ने करनाल में जनसभा करनी थी, वो जनसभा धरती पर नहीं हुई, वो आसमान में हुई, क्योंकि लोगों ने हेलीकॉप्टर उठा दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। तो अब उनकी जनसभा आसमान में ही होगी, धरती पर नहीं होगी, अगर यही उनका हासिल रहा, अगर यही काम करते रहे। सिंगू और टिकरी पर जो हमारे टोल से लगे हैं, जब आए तो सिर्फ पंजाब में टोल फ्री था, हरियाणा में टोल नहीं फ्री था, अब तो हरियाणा में बीजेपी भी फ्री होगी। और वो कमल के फूल की एक खासियत है,
पूरे के ना मुरझा जाते हैं धीरे धीरे, कमल का फूल मुरझाता नहीं है, एक कम सूख जाता है। इसलिए जो ये फासिस्ट गवर्नमेंट है, जिसने देश में गुंडागर्दी का आवाज स्थापित करने की कोशिश की, स्थापित किया भी है, बढ़ा भी रही है, और आज हम बंगाल के अपने भाइयों से बहनों से भी विनती करने आए हैं कि इस देश में जब आजादी की लड़ाई चली तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब और बंगाल के लोगों ने की है, और आज जब इस देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब से शुरू हुआ, तो क्या बंगाल को अपना एहतियात इतिहास नहीं दोहराना चाहिए? बंगाल को भी अपना इतिहास दोहराना होगा, बंगाल को अपना इतिहास दोहराना होगा, और ये जो किसान मूवमेंट चल रही है इसको जन मूवमेंट बनाना होगा, और सभी बंगाल के लोगों को इसमें कूद जाना होगा, और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा कोई भी आह्वान करेगा उसको आप पूरी तरह से लागू कीजिए, और इस देश के किसानों को बचाने के लिए, इस देश के लोगों की रोटी बचाने के लिए, इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए विनती है कि आइए मैदान में इस देश में एक नया इतिहास लिखा जाए, तीनों कानून भी ध्वस्त किया जाए, और फासिस्ट गवर्नमेंट को भी भूल चुकाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।